Welcome back to the channel. My name is Hitesh और आज मैं हूँ Museum of Illusions में, which is in Connaught Place. यहाँ की एंट्री टिकट है 500 रुपए, लेकिन अगर आप 12 बजे के बाद आते हो तो एंट्री टिकट हो जाती है 650 रुपए. और यहाँ पे स्लॉट्स के हिसाब से एंट्री होती है, तो इसीलिए मैं 11:30 के स्लॉट में आया था कि अगर पैसे बच रहे हैं तो बचाओ. एंड आई एंजॉयड, अच्छी जगह है. बाकी आई शो यू यहाँ पे अब कि क्या क्या है. सो अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको मिलेगा रिवर्स रूम. और रिवर्स रूम में क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ. ये है रिवर्स रूम. ये इस तरीके से बनाया गया है, आपको लगता है कि आप उल्टे खड़े हो कि आप सीधे हो. और इसको ग्रेविटी के हिसाब से बनाया गया है. अब यहाँ पे है इनमें कि अगर आप किसी भी डॉट को देखते रहिए, ठीक है, तो आपको आगे पीछे के जितने भी डॉट्स हैं सारे ब्लैक दिखते जाएंगे. और जैसे ही आप अपनी आईज को दूसरे डॉट पे लेके जाएंगे तो जो पहले आप देख रहे थे वो भी ब्लैक हो जाएगा और जो ब्लैक था वो वाइट हो जाएगा. इट्स ऑल इल्यूजन, सेम फॉर दिस. इसमें आपकी आंखें भी घूम जाएंगी और यहाँ पे भी. इनको देखते रहोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे. मतलब जिनको एक तरीके से स्टार्ट किया जाता था लोगों को हिप्नोटाइज करने के लिए. अगर हिप्नोटाइज हो रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना. इस पॉइंट पे क्या है कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो सामने अगर आप राइट साइड में खड़े हो तो आपकी हाइट बराबर आएगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे बैठे हो जो पूरा रेक्टेंगल बन गया नीचे चेयर का, वहां पे आपकी हाइट कम लगेगी. इसमें आपको ये इल्यूजन लग रहा होगा कि यहाँ पे दो रिंग्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर घूम रही है. ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि दो रिंग्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर घूम रही है, बट एक्चुअली में ये कनेक्टेड है, ये जॉइंट है यहाँ से. लेकिन स्पीड में जब होती है तो पता नहीं लगता. इस रूम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप इसके ऊपर वाली अगर साइड में हो तो आपकी हाइट ज्यादा आएगी, और जो दूसरा बंदा इस साइड खड़ा हुआ है लेफ्ट साइड में उसकी हाइट बहुत कम आएगी. आपको ऐसा लगेगा वो बहुत छोटा है. अगर आपको लग रहा है कि ये गहरा कुआं है ये, और ये बता दूं ऐसा कुछ नहीं है. एक्चुअली यहाँ पे एक मिरर है इसके नीचे, एंड देन ऊपर मिरर है, और दोनों मिरर्स को इस तरीके से प्लान किया गया है, इस तरीके से प्लेस किया गया है कि लाइट जो है वो नेवर एंडिंग है. ऐसा लगता है यहाँ से देखा तो एक अच्छा सा रेक्टेंगल है, और यहाँ से देखा तो ये तो क्यूब बन गया. ये कैसे हुआ, यहाँ का क्यूब और यहाँ रेक्टेंगल. एक्चुअली जो ग्लास है वो इस तरीके से का है कि यहाँ से जब आप लेते हो वीडियो या फोटो तो वो आपको हाफ शो करता है और उस साइड से फुल शो करता है, इसलिए वहां पे आपको स्क्वायर दिखता है और यहाँ से स्क्वायर का कुछ पार्ट दिखता है खाली. ये सब घूमते हुए ये मुझे भी समझ नहीं आया क्या है. जैसे ड्रॉप्स मूव कर रही हो डाउन, बट ऑब्वियसली सब स्टेबल है. हॉरर मूवीज में देखा है ना कि प्लेट में गर्दन सजा के लाते हैं, वो शायद इस तरीके से इल्यूजंस ही क्रिएट किया जाता है. कैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ. ये एक्चुअली अब आप देखोगे तो मेरे पैरों के आपको शेडो दिख रही है. यहाँ पे ग्लास है और यहाँ पे भी ग्लास है राइट साइड में, लेकिन तो उसकी एंट्री है यहाँ से भी जाएगा एंड यहाँ से उसकी गर्दन बाहर निकलेगी जो ये प्लेट से बनी हुई है यहाँ पे, और ऐसा लगेगा कि उसने गर्दन काट के यहाँ पे लगाई हुई है. अब यहाँ पे आपको लगेगा कि कितने सारे हैं, दो हैं हितेश, एक नहीं मतलब मैं तो यहीं पर हूँ, बट इल्यूजन इस तरीके से क्रिएट हुआ है. और ये है इन्फिनिटी मिरर. अब ये बच्चा बड़ा बड़ा बुरे तरीके से, तो यू हैव टू टेक केयर जब भी आप आओ, क्योंकि चाहे बड़ी तेज लगी थी.
ओके यहाँ पे ऊपर नहीं है, मैंने पहले ही बिरला मंदिर में होता था, वहाँ पे ऊपर नहीं बट अगेन ठीक है। And this reminds me of Doctor Strange, the movie. जिस तरीके से पत्तों को यहाँ पे लगाया गया है, it's an illusion कि वो हवा में है, but वो actually mirror से चिपके हुए हैं और mirror को इस तरीके से लगाया गया है। ये लग रहा है इनके बीच में रास्ता जा रहा है, but एक illusion है, ये इनकी shape है ऐसे। So it's a good illusion. We thank you for your presence to the Museum of Illusion. Safety is a priority. हमारा माइंड जो है वो इमेज के हिसाब से काम करता है, जो हमारे माइंड में इमेज आती है, जैसे मैंने बोला एप्पल, और आपके माइंड में एप्पल की इमेज आ चुकी है, तो इसीलिए इन्होंने कलर अलग है लेकिन उनका नेम से अलग है, जैसे येलो में ग्रीन है, ब्लू में रेड है, ऑरेंज में ब्लू है, इस तरीके से, बट आपको बोलना कलर है और देखना उस हिसाब से उसका नाम है। एग्जिट के बाद एक ये भी आता है सुविनियर शॉप, सो यहाँ पे ब्रेन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक कप्स है एंड ये सब है, बॉक्सेस वगैरह। मून लैम्प्स, टी शर्ट, प्लाज्मा बॉल वगैरह और भी बहुत सारी चीजें हैं, सुडोकू, ओथेलो, स्नेक एंड लेडर्स, पेंसिल्स हैं कुछ, सो वर्थ विजिटिंग। यहाँ पे इनका अपना पर्सनल कैफे भी है, नो डाउट कॉस्टली बहुत ज़्यादा लगा मुझे, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग, बट इफ यू आर कमिंग विद फैमिली तो ये कैफे बड़ी के नाम से है और आप यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और डिजर्ट्स एंड ऑल वही सब मिलेगा। दिस इज ऑल फ्रॉम दिस प्लेस, अच्छी जगह लगी मुझे, आगे वर्थ लगा, एंड दिल्ली से रिलेटेड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, बहुत सारी जगह घूम चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है देन क्लिक ऑन द प्लेलिस्ट व्हिच यू आर सीइंग नाउ एंड स्टे ट्यून्ड।